तो रणवीर कपूर के एनिमल के बाद अब इंडिया की सबसे बड़ी ब्रूटल फिल्म आने वाली है, जिसे अब तक की सबसे वॉयलेंट एंड ग्लोरियस फिल्म कह के मार्केट किया जा रहा है। जहां एनिमल के बाद अब फुल आर रेटेड एक्शन मूवी आने वाली है किल नाम से, जिसे पूरी कहानी एक ट्रेन में टेक प्लेस करेगी। जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि अमृत नाम का आर्मी कमांडो ऑफिसर है, जिसे पता चलता है वो जिसे प्यार करता है उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से करवाई जा रही है। जहां इसमें कोई नई बात नहीं है, ये रियल लाइफ में भी हो चुका है। बट उस शादी को तोड़वाने के लिए वो एक दिल्ली ट्रेन बोर्ड करता है, जिसमें कुछ गुंडे पैसेंजर भी चढ़ जाते हैं, जहां वो ट्रेन में सबको परेशान करने लगते हैं, जिनका लीडर बना है राघव जुयाल, और उनकी वजह से शुरू हो जाती है ट्रेन में मारो या मरो वाली पूरी थ्रिलर राइड। ये मूवी थोड़ी रेड मूवी की वाइब देती है, जहां पर प्लॉट और स्टोरी कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती, बस पूरा एक्शन सिक्वेंस चल रहा है ट्रेन के बीच में। तो अब अगर तुम्हें बुलेट ट्रेन और रेड की तरह नॉनस्टॉप एक्शन मूवी पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच हो सकती है। तो अब अगर बात करें टीजर की, तो टीजर फुल एक्शन एंड ब्रूटलिटी से भरा हुआ है, जहां नाइफ के साथ हमें कुछ अच्छे कॉम्बैट सीक्वेंस देखने मिलते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर वाला सीन जहां वो पूरा धुआं एक इंसान के मुंह में डाल देता है और चाकू से एक इंसान की आंखें फोड़ देता है। तो हाँ, टीजर काफी अच्छा है। जहां ये मूवी US में ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है, जहां उसे रोटेन टमाटोज ने 100% की रेटिंग दी है और IMDb ने 10 में से 7% की रेटिंग दी है। मूवी के एक्ट्रेस की बात करें तो लीड रोल में हमें लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल और तान्या देखने मिलने वाले हैं। जहां मूवी के प्रोड्यूसर करण जौहर है और मूवी डायरेक्ट किए हैं निखिल भट्ट ने, और जिस तरह से मूवी के सीन शूट हुए हैं, डायरेक्टर की तारीफ करनी तो बनती है। मूवी का रनिंग टाइम 1 hour and 55 minutes का होने वाला है। मुझे टीजर काफी अच्छा लगा। अगर आपने टीजर देखा है तो आपको टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।